पुलिस थाना मैकलॉडगंज के अंतर्गत सैन्य छावनी धर्मशाला कैंप में एक सैनिक ने अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार सारा मामला रात करीब 2:15 बजे घटित हुआ और स्थानीय पुलिस को सेना के जवानों द्वारा 4 बजे इसकी सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार सिपाही जसवीर एक कंपनी 18 सिख रेजिमेंट रात को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिसर मेस में संतरी की ड्यूटी पर था। इस दौरान उसने अपनी सर्विस राइफल और एक अन्य राइफल ली और ब्रेक में घुस गया। इस दौरान उसने बिस्तर पर सो रहे अपनी ही कंपनी के 2 जवानों हवलदार हरदीप सिंह और नायक हरपाल सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्री सिंह ने बताया कि तीनों जवान पंजाब के रहने वाले हैं और सेना के जवान द्वारा कुल 9 राउंड फायर किए गए हैं, जिसमें एक हवलदार को 3 गोलियां लगी हैं और नायक सुबेदार को 4 गोलियां मारी गई हैं, जबकि गोली मारने वाले सिपाही ने साथियों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली और उसे 1 गोली लगी है। उन्होंने कहा कि तीनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। बद्री सिंह ने कहा कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फिलहाल आरोपी के खिलाफ IPC के तहत 302 हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बद्री सिंह ने कहा कि तीनों जवानों का फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हमें थाने में 4:40 से नीचे थाना मैकलॉडगंज में सुबह 4:40 से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 13 लाइन कैंट मैकलॉडगंज में तीन फौजी मर गए हैं और वहां पर एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ है, जिसमें जो है लोकल पुलिस और मैं खुद और RFSL की टीम जो मौके पर गई थी, तो ये बात सामने आई है कि एक जवान जो GOMS में सेंट्रल ड्यूटी कर रहा था, वहां से उसकी ड्यूटी 2 से 6 बजे तक ही, तो वह 2 बजे ड्यूटी चढ़ा था, तो वहां से अपनी राइफल तथा अपने एक अन्य साथी की राइफल लेके बैरक में आया। वो तो बैरक करीब 300-400 मीटर दूर है, तो उस बैरक में आकर उसने सोए हुए एक हवलदार और एक नायक को गोली मार दी और उनकी मृत्यु होगी। उसके उपरांत जो है जो जवान है वो भी मृत अवस्था में वहाँ पाया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है हालात मौका से कि उसने भी खुद अल्टीमेटली लास्टली उसने सुसाइड कर लिया है। पर क्या लग रहा है कि आखिर क्या कारण रहे जो है? कारणों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इसमें 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया में तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर दोषी वही था तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी हमने सभी पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इसमें 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ये कितने बजे की घटना है और पुलिस को कब जैसे सूचना दी आर्मी ने? ये जो अभी तक की प्राप्त इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये सुबह 2:19 में इस इंसिडेंट का होना पाया जा रहा है। उसके बाद जो है आर्मी के जवान जो है वो थाना मैकलॉडगंज में खुद गए थे, तो उन्होंने 4:40 में इन्फॉर्मेशन दी। सर, अब आर्मी ऑफिशियल भी क्या यहाँ आई? आर्मी ऑफिसर्स हैं, सभी है, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स भी रहे हैं, सभी मेजर सभी लोग हैं। पोस्टमार्टम कहाँ कराया जा रहा था? इसका पोस्टमार्टम हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराएंगे और RPMC टांडा में कराएंगे। थैंक यू सर। थी तो एक राइफल से जो उस जवान की अपनी राइफल थी उससे उसने 8 राउंड फायर किए हैं और जो अपने साथी की राइफल थी उसने 1 राउंड फायर किया है। टोटल 9 राउंड फायर हुए हैं। 4-4 के इसमें हुए हैं जो मरे, 4-4 एक चार चार और जो अपने हवलदार को जो है हवलदार जो हवलदार है उसको 3 लगी है और जो दूसरा नायक है उसको 4 लगी है, 4 गोली लगी है और एक हो सकता है मिसफायर हुआ हो और साथ में जो एक राउंड जिससे उसकी मृत्यु हुई है उसको।